माय चैनल। आज हम देखेंगे स्टीम मोमोज, बहुत ही इजी मेथड है, तो चलिए देखते हैं। मोमोज का आउटर कवर बनाने के लिए हम लेंगे 2 कटोरी मैदा, इसमें डालते हैं स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा तेल, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी से इसे गूंथना है। इस तरह बहुत ज्यादा कड़क भी नहीं और बहुत ज्यादा नरम भी नहीं, इस तरह से हो जाना चाहिए इस तरह से, और इसे हम ढक के रख देते हैं। इसी तरह हमने पालक की प्यूरी बना के इसे छान लिया है और मैदे में थोड़ा सा नमक डाल के तेल डाल के गूंथ लिया। ये पत्ता को भी हमने किस लिए है, इसे डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक और इसे चूर लेते हैं। पत्ता गोभी के अंदर का जो पानी है ना, वो इसे निकाल देते हैं, इस तरह से इतना पानी ये निकल गया है। इसमें डालते हैं गाजर, शिमला मिर्ची थोड़ी थोड़ी डालना है और स्प्रिंग ऑनियन, हरी प्याज होती है ना वो, अभी इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें आधा चम्मच सोया सॉस थोड़ा सा और डालती हूँ, चिली सॉस, और काली मिर्च डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा स्टफिंग हो गया। सबसे पहले हमने पालक का जो बनाया था ना, उसे बेल लेते हैं, ऐसा लंबा लंबा बेलना है इसे। इस तरह लंबा लंबा बेलना है इसे और हम इसे निकाल लेते हैं। और हमारा दूसरा जो है व्हाइट वाला, इसे भी बेल लेते हैं। इसे भी ऐसे लंबा लंबा बेलना है इस तरह। अभी हम इसे रोल करेंगे, और ये हमारा जो पालक वाला है ना, इसके ऊपर ऐसे रखेंगे इसे और इसे कवर कर देंगे अच्छे से इस तरह से। इसे इस तरह ऐसे करके इसे दबा दें, सारे ऐसे कर लेना है इस तरह से, हम सारे कर लेंगे। अब एक लोई लेके थोड़ा सूखे आटे में डाल के इसे अच्छे से बेल देना। इस तरह से सारे हम कर लेते हैं। अभी इसमें हम स्टफिंग भरेंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेके। इस तरह से हम यहाँ से दबाएंगे और यहाँ से एक फोल्ड देंगे, यहाँ से हमें सीधा रखना है, यहाँ से फोल्ड लेना है इस तरह से, इस तरह से
दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए कितने मस्त, इस तरह से हमने बना लिए हैं। अभी हम इसे स्टीम करेंगे। अभी हमने इसमें पानी रखा है और ये छलनी है ना, इसके ऊपर थोड़ा हम तेल लगा देंगे ताकि हमारे चिपके ना, और एक एक करके हम इसमें रख देंगे। दिखने में भी बहुत सुंदर लग रही है। और ऊपर से ये ढक्कन रख देंगे। अभी हम देख लेते हैं, 20 मिनट हमने रखा था। वाओ, बहुत ही अच्छे हो गए हैं। अभी सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे मोमोज बने हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा।